हेलो, दिस इज सुशील कटोच और आज हम साइंस का चैप्टर घर्षण यानी फ्रिक्शन, माने कि उल्टा बल, बोले तो अपोजिंग फोर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि हम कैसे चल पाते हैं और कभी कभी चलते चलते हम फिसल भी जाते हैं, हाथ रगड़े पर गर्म हो जाते हैं और चीज़ें घिसें तो बहुत शोर मचाती हैं, पेंसिल कैसे छिल जाती है, जूते कैसे घिस जाते हैं, रबड़ गलती को कैसे मिटाता है और स्लाइड पर फिसलने पर वह गर्मी भी दे देती है और शोर भी मचाती है। ये जो बल है, रोक टोक वाला बल, इस बल को हम लोग कहते हैं घर्षण। आज हम इसी घर्षण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसको करने से पहले हम लोग आइए एक गतिविधि करते हैं। एक बर्तन में कच्चे चावल लीजिए और एक डंडा लीजिए। इस डंडे को आप उस चावल के बीच में गाड़ करके क्या आप चावल के बर्तन को उठा सकते हैं? नहीं या हाँ? चलिए करके देखते हैं। जब हम डंडे को बार बार उसके बीच में घुसाएंगे तो हम देखेंगे कि हम उसकी सहायता से बर्तन को उठा पा रहे हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ऐसा होता कैसे है? ऐसा इसलिए होता है कि बार डंडी को अंदर बाहर करने से चावल और डंडी के बीच घर्षण पैदा हो जाता है। चावल ने डंडी की गति का विरोध करना स्टार्ट कर दिया और इसी विरोध के कारण जो डंडी है उसके साथ और उसके आसपास में घर्षण के कारण चावल के दाने बहुत पास आ जाते हैं और जिस वजह से हम लोग जो है उसको डंडी की सहायता से पूरे के पूरे बर्तन को उठा पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि चावल और डंडी के बीच का घर्षण जो है वही कारण होता है जिससे हम इसको उठा पाते हैं। और इस एक्टिविटी का वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगा। आगे देखते हैं कि घर्षण क्या क्या हमारे काम आता है या होता क्या है, पूरा डिटेल में हम इसको स्टडी करते हैं। जब भी हम किसी चीज़ को बल लगा के उसको खिसकाने की कोशिश करते हैं, उसको रोल करने की कोशिश करते हैं, तो एक बल जो उसकी गति को रोकने की कोशिश करता है वो उस बल को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन। तो हुआ ना ये उल्टा बल, जैसे बॉल नीचे की डायरेक्शन में आ रही है जो ऑरेंज रंग से दर्शाया गया है और लाल रंग वो है जो कि हमारे को ये दर्शा रहा है कि ये गति की विपरीत दिशा में है और गति को रोकने की कोशिश कर रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं घर्षण। चलिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बिल्कुल समतल सतह लीजिए, उसके ऊपर एक बॉक्स रख दीजिए। सामान्यतः जब हम इसको स्लाइड करेंगे तो ये थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाता है। जितना फोर्स लगाई गई होगी, जितना बल लगाया गया उतना ही चलेगा, फिर ये रुक जाएगा। परंतु ये तो समतल था, हमारी आंखों में ऐसा दिख रहा था कि ये समतल है, तो फिर ये क्यों थोड़ी देर बाद रुक गया? होता क्या है कि सामान्यतः कोई सतह पूर्णतः चिकनी नहीं होती, अभी तो उसमें अत्यल्प परिमाण के उठाव और गड्ढे होते हैं। इनको हम इस प्रकार समझते हैं कि मान लीजिए हम सूक्ष्मदर्शी से इसको देखते हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने पे वो कैसा दिख देगा, वो आपको चित्र पे दिखाया गया है। जब हम इसको सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखेंगे, अतः जब ऐसी दो सतहें एक दूसरे के स्पर्श करती हैं तो एक सतह के उठाव दूसरी सतह के गड्ढों में फंसे हुए पाएंगे। इस अवस्था में एक सतह को दूसरी सतह पर खिसकाने के लिए बल लगाने पर सतह की बनावट में विकृति उत्पन्न हो जाती है। इसी के अनुरूप पदार्थों की प्रत्यास्थता के कारण प्रयुक्त बल की विरुद्ध दिशा में प्रतिबल कार्य करता है, जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। या आसान शब्दों में कहें तो जैसा हमें चित्र में दिख रहा है कि देखने में तो वो पूर्णतः चिकनी लग रही थी, लेकिन कोई भी सतह पूर्णतः चिकनी नहीं होती।
और जैसे ही उसके अंदर जो इररेगुलरिटीज होते हैं, जो उठाव होते हैं, जब हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर घिसते हैं, तो होता क्या है, एक सतह की जो इररेगुलरिटी है वो दूसरे सतह की इररेगुलरिटी को पकड़ लेती है, जो उठाव है, और वो एक दूसरे की सतहों में परस्पर रुकावट पैदा करते हैं, जिस वजह से जो एक सतह है वो दूसरी के ऊपर चलना बंद हो जाती है और हमारे को उसके चलाने के लिए बल लगाना पड़ता है। और ये जो बल था जिसने जिसकी वजह से हमारे को दूसरा बल लगाना पड़ा उस वस्तु को चलाने के लिए, उस बल का या फिर वो जो उल्टा पुल्टा बल था, उस बल के कार को हम लोग कहते हैं घर्षण बल। चलिए आगे देखते हैं कि घर्षण की परिभाषा क्या है। घर्षण एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। हमारे को यही चीज़ जो है ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट से समझ आई। तो इसके मतलब हुआ घर्षण हुआ रोक टोक का बल। देख लीजिए यहाँ पर चित्र में हमारे को दर्शाया गया किस तरीके से ये इंटरलॉक हो जाती हैं, जो उठाव होते हैं दोनों अलग अलग सतहों पे, और ये उसकी गति को विरोध करती हैं। असली में साइंटिफिक वे में क्या होता है उसको भी हम समझ लेते हैं, या साइंस की भाषा में भी, विज्ञान की भाषा में भी इसको समझ लेते हैं। हमारे पास जब एक दो चित्र दिए गए हैं, पहले चित्र में दिखाया गया है कि एक सतह के ऊपर कोई बक्सा पड़ा है, उस पर जब उसको अगर हमने गतिमान करना है तो हमारे को कोई बल लगाना पड़ेगा, जिसको हमने बड़े एफ से दिखाया है, और इस गति को विरोध कर रहा है छोटा एफ, जिसको हम घर्षण बल बोल रहे हैं। असलियत में होता क्या है, जब भी कोई वस्तु किसी सतह पर पड़ी होती है तो उस पर जो हम बल लगा रहे हैं उसके अलावा कुछ और बल भी लग रहे होते हैं। पहला उसका अपना भार वेट जो mg होता है, जो धरती के भीतर की ओर लगता है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट जिसको हम लोग रिएक्शन कहते हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया, वो ऊपर की ओर होती है, और उन दोनों का रिजल्टेंट जिसको प्रतिक्रिया बल कहते हैं। तो जिस डायरेक्शन में हमारी फोर्स लगी होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है। आगे पढ़ते हैं घर्षण के प्रकार कितने होते हैं। घर्षण के मूलतः चार प्रकार होते हैं। पहला स्थैतिक घर्षण, दूसरा सर्पी घर्षण। स्थैतिक घर्षण वह घर्षण होता है जब कोई वस्तु किसी दूसरी सतह के ऊपर चुपचाप पड़ी हो, जब वो चल नहीं हो। सर्पी घर्षण वह घर्षण होता है जो तब काम में आता है या जब काम करना शुरू करता है जब कोई वस्तु दूसरी सतह के ऊपर घिसकना शुरू हो जाती है। तीसरा आता है लौटनी घर्षण। लौटनी घर्षण तब होता है जैसे कि टायर दूसरी सतह के ऊपर चलना शुरू कर दे। और चौथा प्रकार है हमारे पास तरल घर्षण, जिसे हम कर्षण भी कहते हैं, जो तब काम करता है जब हम लोग किसी तरल पदार्थ से होते हुए गुजरते हैं। तरल मतलब फ्लूड। फ्लूड जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, फ्लूड जो होता है वह खाली जल नहीं होता, वो वायु जल कोई भी चीज़ जो बह सकती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूड कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जो चीज़ पड़ी हुई है धरती पर उसको खींचने में हमारे को अधिक बल लगता है, और जो चीज़ गोल है उसको चलाने में हमारे को कम बल लगता है। इसीलिए तो पहिए का आविष्कार हुआ था। पहिए का आविष्कार होने के बाद ही तो हमारी जहाँ से दूसरी जगह से सामान ढोना, इन सब कामों में आसानी हो गई। इसके लिए भी एक गतिविधि दी गई है जो कि आपको लिंक में मिल जाएगी। होता क्या है, जब हम गोल चीज़ को देखते हैं तो ज़्यादा क्षेत्र ज़मीन के सतह से जो है वो नहीं रगड़ा जाता, कम क्षेत्र रगड़ा जाता है, लेकिन अगर वह चपटा है तो ज़्यादा क्षेत्र ज़मीन की सतह से रगड़ाता है, जिस वजह से जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो ज़्यादा हो जाता है। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होने की वजह से दोनों के बीच में ज़्यादा जुड़ाव होने के, दो सतहों के बीच में ज़्यादा जुड़ाव होने के कारण जो है वह घर्षण बल भी अधिक हो जाता है। इसीलिए आजकल जो सूटकेस वगैरह हैं उनके पहिए भी लगा दिए गए होते हैं, जैसे कि पहिए हमने पढ़ा कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है, जो रोलिंग घर्षण है, वह जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से
कम होता है, पहिए जो है घर्षण कम करते हैं, इन पर लौटनी घर्षण लगता है, लौटनी घर्षण सभी घर्षण से बिल्कुल कम होता है और इस कारण पहिए जो हैं लगे हुए सामान को उठाने में हमारी को आसानी प्रदान करते हैं। आगे देखते हैं हमारा तरल घर्षण। तरल घर्षण यानी कि कर्षण, तरल जैसे कि मैंने आपको बताया तरल, उसमें वायु आ गया, जल आ गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वह तरल कहलाती हैं। इसको हम डिटेल में करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लें। वायु और जल भी घर्षण हमें प्रदान करते हैं, इन्हें तरल घर्षण कहा जाता है, तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। ये देख लीजिए चित्र में आपको दिखा रखा है कि जैसे जैसे एक पैराग्लाइडर नीचे की ओर को आ रहा है तो वो धीमा होता जा रहा है, किस वजह से, उस ड्रैग या कर्षण की वजह से। स्विमिंग करते टाइम भी एक आदमी को कर्षण का जो है वो सहना पड़ रहा है, ये जो जिसको हम इंग्लिश में थ्रस्ट ऑफ वाटर कहते हैं वह सहना पड़ रहा है, जो उसका विरोध कर रहा है जब वो स्विमिंग कर रहा है, उसको उस वजह से ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है। जब हम मान लीजिए कि एक साइकिल लेके जा रहे हों और जब हमारे को तेज़ हवा दूसरी विपरीत दिशा से आ रही हो तो भी हमारे को अधिक बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि विपरीत दिशा से आती हुई जो हवा है वह हमारे को ड्रैग फोर्स या कर्षण लगा रही है। तो कर्षण है क्या? कर्षण तरल गति की में किसी तरल के अंदर गति करने वाले किसी वस्तु पर सापेक्ष गति के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को कर्षण या ड्रैग कहते हैं। कभी कभी इसे वायु प्रतिरोध या तरल प्रतिरोध भी कहा जाता है। कर्षण बल तरल के दो स्तरों के बीच में भी लगता है और तरल और ठोस के तरलों के बीच में भी लगता है। अन्य प्रतिरोधी बलों में जैसे घर्षण से, या इस मामले में अलग है कि कर्षण बल का मान वेग पर निर्भर करता है, जबकि घर्षण का मान वेग पर बहुत सीमा तक निर्भर नहीं करता। चलिए अब हमारे पास कुछ चित्र हैं जिसकी सहायता से हम क्यों हमारे हवाई जहाज या क्यों जो हमारी नावें हैं वह एक विशेष आकार में बनाई जाती हैं उसको समझने के लिए, या उनकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रीमलाइंड क्यों होती है, स्ट्रीमलाइंड क्यों होती है वह समझने के लिए हम लोग इस चित्र को देखते हैं। जो नीली लाइनें हैं वह आपको वायु का प्रवाह दिखा रही हैं और जो ऑरेंज या रेड कलर है वह वस्तु आपको दिखाई गई है। अगर मान लीजिए वस्तु उसी आकार की होगी जिस आकार की ये है तो वायु दोनों साइडों से होती हुई चुपचाप निकल जाएगी, और जो 0% दिखाया गया है मतलब जो कर्षण है उस वस्तु पे वो कितना लगेगा, 0%। अगर वस्तु दूसरे नंबर की तरह क्या होगी तो ये होगा क्या, तो हमारे पास जो कर्षण फील होगा उस बॉडी पे वह 10% होगा। अगर वस्तु तीसरी प्रकार की होगी तो अंडाकार, तो हमारे पास जो उसके ऊपर कर्षण होगा वह क्या होगा, वो होगा लगभग 90%। और मान लीजिए कि वो वस्तु बिल्कुल चपटी हुई तो उसके ऊपर जो होगा वह कर्षण होगा 100%। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वस्तु की जो आकार होगा उस पे सारा का सारा कर्षण या ड्रैग फोर्स निर्भर करेगा। अगर वह उसी आकार का होगा जिस आकार में या उसी धारा में स्ट्रीमलाइन होगा, उसी धारा में प्रवाहित हो रहा होगा जिस धारा में हमारी वायु चल रही है, तो ये कैसा होगा, बिल्कुल हमारा 0% हमारे को कर्षण फील करना पड़ेगा। इसी वजह से जो मछली है, देख लीजिए मछली की आकृति दिखाई गई है, मछली की आकृति में किस प्रकार से जो जल है वो ऊपर और नीचे से होता हुआ निकल जाता है और इसको बहुत कम ड्रैग फोर्स जो है वो फील करनी पड़ती है। इसीलिए हमारी नाव और जो एरोप्लेन है उसको भी इसी आकार का बनाया जाता है। आगे हम पढ़ते हैं कि जो हमारा फ्रिक्शन है ये हमारा मित्र है या शत्रु। फ्रिक्शन जो है हमारे दोनों काम आता है, हमारे लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। हम किसी चीज पे चल पाते हैं फ्रिक्शन के कारण, हम कील को ठोक पाते हैं दीवार पे या लकड़ी पे फ्रिक्शन के कारण, हम लिख पाते हैं फ्रिक्शन के कारण। लेकिन दूसरी तरफ
अगर मान लीजिए कि हमारा फ्रिक्शन के फायदे हैं तो नुकसान भी हैं, हमारा जूता बेचारा वो भी घिस जाता है फ्रिक्शन के कारण। मशीनें जब उसके पुर्जे एक दूसरे पर चलते हैं तो वो पुर्जे भी घिस जाते हैं फ्रिक्शन के कारण। एक और फ़ायदा, माचिस हम जला पाते हैं, किस लिए? फ्रिक्शन के कारण। तो इसी प्रकार से फ्रिक्शन के बहुत सारे हमारे को नुकसान होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि फायदा भी है और नुकसान भी, इसका मतलब ये हमारा मित्र भी है और शत्रु भी। तो जब हमारे को इसकी ज़रूरत हो, जहाँ पर ये हमारे लिए मित्रता कर रहा हो वहाँ पर हम इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और जहाँ पर ये हमारे लिए शत्रु हो या हमारे से वैर रख रहा हो वहाँ पर हम इसको घटाएंगे। आगे हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से हम इसको बढ़ा और घटा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो कबड्डी के प्लेयर हैं, जब उनको कबड्डी खेलनी होती है या बेसबॉल के प्लेयर जो हैं वो खेलते हैं, तो वो अपने हाथों में मिट्टी और अन्य पदार्थ को लगा लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो उनके हाथ और बैट के बीच में, अगर वो बेसबॉल खेल रहे हैं या फिर हाथों के बीच में जब वो कबड्डी खेल रहे हैं, तो जो अपने प्रतिद्वंद्वी को पकड़ने के लिए अधिक फ्रिक्शन मिलती है जिससे कि वह उसको सही ढंग से पकड़ाते हैं। गाड़ियों को रोकने के लिए हमारे को ब्रेक की ज़रूरत होती है। वह ब्रेक यानी कि फिर से घर्षण, हम ब्रेक का इस्तेमाल गाड़ियों में ब्रेक पैड लगाने के लिए घर्षण का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कल पुर्जों में जब हमारी मशीनें चलती हैं उसमें हम लोगों को क्या होता है कि अगर ज़्यादा घर्षण होगा तो उसमें या तो कल पुर्जे घिस जाएंगे या उनमें लग जाएगी। तो उसके लिए हमारे को उसका क्या करना पड़ता है, उसके अंदर तेल डाला जाता है या ग्रीस लगाई जाती है, या कहने का तात्पर्य उसका लुब्रिकेशन किया जाता है। उसी प्रकार से जब हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं तो कैरम बोर्ड खेलते समय भी हमारे को उसके अंदर क्या करना पड़ता है, पाउडर छिड़कना पड़ता है। पाउडर छिड़कने से होता ये है कि जब पाउडर छिड़का जाता है तो हमारी जो गीटियाँ होती हैं वो आसानी से उसके ऊपर अंदर स्लाइड कर जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं घर्षण के उपयोग। तो हमें पता है ये हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है, तो लेकिन हमारा हम तो मनुष्य हैं, हर चीज़ हमारे लिए बनी है ऐसा हमारे को लगता है, तो हम उसका उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। हमारे दैनिक जीवन में घर्षण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पृथ्वी की सतह पर चलने वाले प्रत्येक वाहन की गति सतह के भार के बीच में घर्षण बल द्वारा ही संभव है। अतः घर्षण गति बाधक तथा साधक दोनों ही है, मतलब हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है। धारक और स्नेहकों के व्यवहार में भी घर्षण का प्रमुख स्थान है। हो आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। और दो एक्टिविटीज़ का वीडियो साथ में लिंक में दिया गया है, कृपया उसे भी देख लें।